तो चलिए अब हम लोग पार्ट थ्री के बाद पार्ट फोर पढ़ेंगे, और पार्ट फोर में जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो जैसा कि आपने देखा अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, साथ ही साथ न्यूक्लियस का हमने जो है वो डिस्कवरी कर लिया है। इसमें रदरफोर्ड आते हैं, फिर जेम्स चैडविक आते हैं, जो आपके जे जे थॉमसन है, उन सभी का हमने जो डिस्कवरी है वो सब हमने देखा। और अभी भी ना लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, उस वक्त के जो केमिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, कि आखिर एटम्स का स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन्स आ गया, बट अभी तक स्ट्रक्चर फाइनल नहीं हुआ है। न्यूक्लियस आने के बाद जो है वो एक कह सकते हो 50% जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, बट अभी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, उसका मेनली कह सकते हो अरेंजमेंट और जो आपका स्ट्रक्चर है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ था। तो अब हम लोग जो आज के चैप्टर है उसमें हम लोग एटम का स्ट्रक्चर देखने वाले, और एटम का स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका जो स्टेबिलिटी है वो देखने वाले, और हम लोग बिल्कुल फाइनल 100% जो एटम का स्ट्रक्चर है वो देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 8 चैप्टर 4 का पार्ट 3 है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 4 पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एटम्स के स्टेबिलिटी के बारे में हम जानते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स विथ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। जैसा कि हमें पता है कि जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक दूसरे का नेगेटिव चार्जेस वाला है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेज, मतलब सॉरी, एक पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज के बीच में एक अट्रैक्शन होती है, इसीलिए देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसीलिए यहाँ पर ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन है वो आपका एटम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लाइटर, ऐसा माना जाता है कि जो आप इलेक्ट्रॉन है, चूंकि वो बहुत बहुत ज्यादा हल्का है और चार्ज एंड इन कॉन्स्टेंट मोशन, और वो हमेशा एक मोशन में, वुड ग्रेजुअली लूज एनर्जी एंड कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड इवेंचुअली फॉल इन टू इट। देखो होता क्या है, बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रॉन है बहुत ही लाइटर एक एलिमेंट है, सॉरी लाइटर एक पार्टिकल है, जिसके बहुत या कह सकते हो नेग्लिजिबल मासेस होती है, मास उसमें है ही नहीं। तो वो क्या होता है, जब न्यूक्लियस के अराउंड पॉजिटिव चार्जेस के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो रिवॉल्व करते करते एक टाइम ऐसा आ सकता है जब उसका जो एनर्जी है वो बिल्कुल लूज कर जाए और वो बस अट्रैक्ट हो जाए पॉजिटिव चार्ज की तरह और उसमें कोलैप्स कर जाए, दस रिजल्टिंग इन द स्ट्रक्चरल कोलैप्स ऑफ द एटम। और इस तरह से जो एटम है वो क्या हो सकता है, बुरी तरह से कोलैप्स और बर्बाद हो सकता है। बट ऐसा नहीं होता है, बट दिस डज नॉट हैपन। बट ऐसा क्यों नहीं होता है, इसी चीज को फाइंड करनी है, और जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपका एटम्स का जो स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, वो फाइंड आउट हो सकता है। तो फिगर 4.7 आपको ध्यान से देखनी है, जहां पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है एंड अपना एनर्जी एंड इवेंचुअली फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस, बट दिस डज नॉट हैपन। बट ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो ये आपका एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, और ये रिवॉल्व कर रहा है और ये न्यूक्लियस के काफी दूर है अभी, और ये रिवॉल्व करते करते जब अपना एनर्जी को खोता जाता है, तो एक टाइम आता है जब ये रिवॉल्व करते 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 और 3-4 राउंड घूमने के बाद ये जा करके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाता है। यदि ऐसा होता तो जो आपका एटम है वो एटम रह ही नहीं जाता, एटम कोलैप्स कर जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। तो जो रदरफोर्ड है वो इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को खोजा, न्यूक्लियस खोजने के बाद उसने एटम्स का स्ट्रक्चर दिया, और स्ट्रक्चर में जैसा कि आपने देखा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे हमने सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, और सेकंड जो पार्ट था उसमें द आउटर सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में पढ़ा। बट ये स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे ढंग से कह सकते हो सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा था। तो रदरफोर्ड जो है वो इसका स्टेबिलिटी को लेकर के कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। फिर बाद में एक साइंटिस्ट नील बोर आता है जो एक्सप्लेन करता है एटॉमिक स्टेबिलिटी को, और वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, कहाँ पर है, और वो किस तरीके से रिवॉल्व करता है कि वो आपस में कोलैप्स नहीं होता है। तो अब हम लोग जो नील बोर है उसका एटॉमिक मॉडल देखेंगे, और नील बोर जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, नील बोर जो है वो एक्सप्लेन करता है एटॉमिक स्टेबिलिटी को। तो ये जो आपका एटॉमिक मॉडल होने वाला है नील बोर का, वो आपका कह सकते हो फाइनल एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से सारे क्वेश्चंस का आंसर को देता है। ये एक्सपेरिमेंट होता है 1930 में, नील बोर जो कि एक डेनिस यानी कि डच का साइंटिस्ट होता है वो प्रपोज करता है एटॉमिक मॉडल का। ये लास्ट कह सकते हो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉडल होता है। आपको मैं एक ना क्वेश्चंस है जो कि आपके इस चैप्टर में मैंने पार्ट 2 में बताया था, आप क्या बता सकते हो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो वो किसने दिया था और
कब दिया था, एक क्वेश्चन से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही रिटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर सर्कुलर ऑर्बिट। जो नील बोर है वो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको कॉपी करता है और उसको रिटेन करता है, वो उससे सहमत होता है। और प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड, ही वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। वो एटम के स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत हद तक चीजें जो है वो सही सही बताता है, और इस चीज को नील बोर भी मानता है। लेकिन नील बोर के थ्योरी के अकॉर्डिंग ईच सर्कुलर ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। नील बोर बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है, वो उससे आगे और पीछे नहीं जाता है, अपना ऑर्बिट को चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल होता है जिसे वो ऑर्बिट को नाम देता है सेल्स और एनर्जी लेवल। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दिस फिक्स्ड ऑर्बिट और सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में, या तो बोल सकते हो एनर्जी लेवल में, वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस सेल्स नाइदर लूज और गेन एनर्जी अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्सेस इज अप्लाइड ऑन इट। और ये बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन तब तक अपना एनर्जी को लूज नहीं करता है जब तक कि कोई एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं करा जाता है। Thus they maintain their position, और तब तक ये अपना पोजिशन को मेंटेन करता है। बट जैसे ही कोई एक्स्ट्रा फोर्स इस पे कार्य करती है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जीज को प्रोवाइड करा जाता है, तब जा करके इसकी जो पोजिशन है और इसके जो एनर्जी का लेवल है उसमें चेंजेस आ जाता है। और एज ए रिजल्ट द इनवर्ड फोर्सेज एग्जर्टेड बाई द न्यूक्लियस इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड फोर्सेज ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, दस प्रिवेंटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉलिंग इन टू द न्यूक्लियस, thereby making the atom structurally stable. As a result, क्या होता है कि जो inward force यानी कि nucleus का जो force है उसे अपनी ओर attract करने का, जो कि ये positive charges है, और जो आपका electron है जो कि बाहर से revolve कर रहा है अपने fixed energy level में रह करके, वो एक balance बना लेता है ताकि nucleus जो है वो अपनी ओर electron को attract नहीं कर पाता है, और कितना भी revolve करने के बाद जो energy है electron का वो कम नहीं होता है और वो कोलैप्स नहीं होता है, और इस तरह से जो आपका एटम है वो स्ट्रक्चरली स्टेबल हो जाता है। तो ये आपका जो है फिगर 4.8 में देख सकते हो, जहां पे आपको ऑर्बिट के अंदर एटम्स के अंदर जो आपका एनर्जी लेवल है, जहां पे आपका जो इलेक्ट्रॉन से वो रिवॉल्व करता है, उसका फिगर दिया हुआ है। न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के नजदीक जो ऑर्बिट होता है उसमें एनर्जी लेवल कम होती है, और न्यूक्लियस के बिल्कुल जो दूरी, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस वाली आपका ऑर्बिट होता है, वहां पे जो एनर्जी लेवल है वो आपका बिल्कुल मैक्सिमम होता है, हाई होती है। तो ये आपका मॉडल जो है वो नील बोर के द्वारा दिया जाता है। बट जो मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम है वो क्या है, मतलब जितने सारे कॉन्सेप्ट अभी हमने आप आगे पढ़ा पीछे पढ़ा, उन सारे चीजों को कंक्लूजन करने के बाद हर एक साइंटिस्ट ने जो चीजें बताया उसमें से जो उसके ड्रॉबैक थे उसको छोड़ दिया जाए, तो उसे जो अच्छी चीजें हैं उन सबको कंक्लूड करने के बाद जो आपका मॉडर्न मॉडल आता है एटम का, चलिए उसे पढ़ते हैं। और अब देखते हैं कि हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर है, फाइनल जो आपका अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के अंदर में, वो देखते हैं क्या और कैसा होता है। तो मॉडर्न मॉडल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो ये कहता है कि एटम्स के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर आर टू स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एटम, द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस एंड द सेकंड वन इज द ऑर्बिट और द सेल्स, जो कि आपका रदरफोर्ड ने दिया था। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो न्यूक्लियस है जिसका डिस्कवर रदरफोर्ड ने करा था, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल पार्ट है एटम्स का, जो कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसे हम लोग कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, आर हेल्ड फर्मली इन द न्यूक्लियस बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और जो आपका आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर फोर्सेस से वो बना हुआ है। द इंटायर मास ऑफ द एटम, एटम का जो इंटायर मास है ना, टोटल जो मास है ना, वो लाइज करता है इसी न्यूक्लियस के अंदर में। सिंस इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मासेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई मास तो होता ही नहीं है, तो बचा कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है जो कि आपका सेंट्रली न्यूक्लियस में डेपोजिटेड होता है। फोर्थ पॉइंट है कि जो ऑर्बिट है यानी जिसे हम लोग सेल्स के नाम से या तो एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं, वो एक इमेजिनरी पाथ है जो कि ट्रेस्ड किया जाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा और इन द एम्प्टी स्पेसेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो आपका ऑर्बिट है, सेल है या फिर इमेजिनरी
पाथ या बोल सकते जो आपका एनर्जी लेवल है, वो एक इमेजनरी पाथ है जो कि खाली स्पेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और हर एक ऑर्बिट जो है वो एसोसिएटेड होता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, और इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है और वो कभी जाके कॉलेप्स नहीं करता है। देयरफॉर दीज सर्कुलर ऑर्बिट आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल, इसीलिए इस ऑर्बिट को एनर्जी लेवल के नाम से या फिर सेल्स के नाम से जाना जाता है। जो जो ऑर्बिट न्यूक्लियस की क्लोजेस्ट होता है उसमें लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, और जो न्यूक्लियस से फार्देस्ट होता है, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से फार्देस्ट होता है उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। नंबर फिफ्थ कहता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उसमें ना ही नेगेटिव चार्जेस का ज्यादा है ना ही पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, बैलेंस्ड किया हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, दस बैलेंसिंग द टोटल चार्ज ऑफ एटम, और इस तरह से एटम्स के अंदर जो चार्जेज है उसको बैलेंस बना के रखता है। लोकेशन की बात करें जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर होता है और एटम्स के अंदर ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है व्हाई आर एलिमेंट डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टी, जितने सारे एलिमेंट होते हैं उन सबका जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग क्यों होता है, उसका बिहेवियर अलग अलग क्यों होता है, इसके बारे में जानना है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर बस एक ही है, बिकॉज ऑफ एटम्स, और एटम्स के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसका नंबर और पोजिशन। चलिए आगे देखते क्या लिखा हुआ है। व्हाइल द न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप जान रहे हो जो आपका न्यूट्रल एटम यानी जो न्यूट्रॉन है उसकी संख्या एलिमेंट के अंदर इक्वल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, दिस नंबर इटसेल्फ वेरीज फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, तो ये जो आपका न्यूट्रॉन का नंबर है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, जो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है वो हमेशा वेरीज करते रहता है, हर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसके अंदर जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसमें वेरीज रहता है, कोई सेम नहीं है, कोई भी एलिमेंट का एटम का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सेम नहीं होता। इनफैक्ट नो टू एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, कोई भी सिर्फ दो एटम की बात करें ना 118 में से जितने भी एटम्स हैं उसमें सिर्फ कोई भी दो एटम ऐसा नहीं है जो आपस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लेकर के इक्वल हो, इसीलिए जितने सारे एलिमेंट हैं वो डिफर होते हैं फ्रॉम द अदर इन इट्स प्रॉपर्टीज, इसीलिए जो आपके एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर काफी सिंपल है समझना, एटॉमिक नंबर को आप कह सकते हो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लेटर जेड से। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर को सिंपली समझो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि आपका किसी भी एटम्स के अंदर होता है उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक, और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, इसे हम लोग कह सकते हैं Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि मास नंबर क्या होती है। तो मास नंबर बेसिकली सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर A से। तो मास नंबर A इक्वल टू कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जब कभी हमें न्यूट्रॉन्स की नंबर निकालना हो तो जो टोटल मास नंबर है उसमें से हम एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो आपका निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो आपका मास नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब मान लो न्यूट्रॉन की नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को सबट्रैक्ट कर देंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। चलिए फिर एग्जांपल से समझते हैं। सोडियम जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर 23 होता है, तो बताओ इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए क्या करो, जो आपका मास है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल नंबर है उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो फिर जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जानने के बाद अब बारी आता है कि इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को मान लो रिप्रेजेंट करना है और साथ में उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी डिनोट करनी, तो कैसे कर सकते हैं। सपोज करो कि एक एलिमेंट है जो कि आपका एक्स है जिसका मास
नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसे यदि हम लोग रिप्रेजेंट करनी है, सिंबलाइज करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसे करने के लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि सेंटर में आप रखो एक्स को, आने की जो भी आपका एलिमेंट है, जो सब स्क्रीन जो बॉटम पार्ट है वहां पे लिखने हैं आपको एटॉमिक नंबर, और जो मास नंबर है उसे आप इसके ऊपर में लेफ्ट साइड या फिर आप राइट साइड, दोनों साइड में कहीं पे भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको सोडियम को रिप्रेजेंट करनी है एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लेकर के, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले सोडियम का जो सिंबल है वो लिखो, और इसके सब स्क्रिप्ट में आने के लेफ्ट साइड में नीचे में आपको लिखनी है एटॉमिक नंबर जो कि होता है 11, और इसके ऊपर में आप लिख सकते हो मास नंबर जो कि है आपका 23। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आपको हमेशा ध्यान रखनी है मास नंबर को हमेशा ऊपर रखा जाता है और एटॉमिक नंबर को नीचे रखा जाता है। चलिए अब कुछ एटॉमिक नंबर और साथ ही साथ जो मास नंबर है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के वो नीचे दिए पड़े, तो इन्हें आप देख लो और लर्न कर लो, इसे काफी जरूरी है। आगे हम लोग मास नंबर और कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पे हमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसका अरेंजमेंट है या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है एटम्स के अंदर में, उसकी पूरी डिटेल्स कैसे फाइंड करनी है, कैसे लिखा जाता है, उसका कॉन्फिग्रेशन जो वो पढ़ने वाले। चैप्टर काफी लंबी है तो बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, ये सिर्फ थर्ड पार्ट था। तो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।